अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBHCS। उम्मीद है कि आप सब लोग हैजस्ट होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इस्लामिया 201 का लेक्चर नंबर 8, इस्लामिक प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वर्शिप, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज आपको दिया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर दिस जनरल डिस्कशन ऑन फेथ, तो ये कह रहे हैं वी विल टेक एट सम लेंथ ऑन द फोर ऑब्लिगेटरी मोड्स ऑफ वर्शिप, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेटरी होते हैं, ठीक है। दिस आइटम्स आर इंक्लूड अमंग द बेसिक फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल इस्लाम के होते हैं, ठीक है। तो दिस आर द प्लेयर्स, कुछ तरह प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इस्लाम के प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला भी आपको कह रहे हैं नमाज, नमाज की डेफिनेशन क्या है। सलाह, नमाज इज़ अ प्रैक्टिकल वे ऑफ वर्शिपिंग अल्लाह एंड ऑफरिंग डोनेशन टू हिम व्हिच अल्लाह एंड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट, ठीक है। यानी हमें नमाज पढ़नी है, ठीक है। नमाज किसके लिए पढ़नी है, अल्लाह के लिए पढ़नी है। अल्लाह ने क्या कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, किस तरीके से नमाज पढ़ी, तो उनको फॉलो करते हुए हमें नमाज पढ़ी, ठीक है। अमंग देम द मोस्ट ऑफ स्टडिंग इज द नमाज सवैली ऑफ एन आर्टिकल डिपेंड ऑन द नीड, ठीक है। कह रहे हैं कि आप प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल जज, वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो प्राइस होती है वो जज की जाती है उसकी क्वालिटी के ऊपर, ना कि उसके कलर के ऊपर, उसके शेप के ऊपर, ठीक है। तब बट द कैपेसिटी टू फुलफिल द पर्पस, सो जो पर्पस है बाइक का वो उसके पर्पस पर डिपेंड करती है, पर्पस क्या है उसका, ठीक है, ना कि उसके कलर से। तो ये बताया, तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, ठीक है। नॉट इन द बफेलो स्लिप और बफेलो की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। इसको अकॉर्डिंग टू द वेट्स बॉल चेस में चलती है, तो उस पर डिपेंड करता है, मिल्क इट्स है, ठीक है। तो उसके मिल्क पर डिपेंड करता है वो क्या है, ठीक है। तो सो इट्स नमाज प्री एमिशन बिकॉज इट्स प्ले द मोस्ट अफेक्टिव रोल इन द रिलीजन, ठीक है। तो वही इसी तरीके से कह रहे हैं कि नमाज भी इस चीज़ से इंपॉर्टेंट है, अफेक्टिव रोल अदा करती है रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड विद वर्शिप, ठीक है, हमारे इबादत के लिए, ठीक है। तो और इसके साथ जो है हमारे काफ़ी चीज़ें अटैच होती है, क्लीननेस ऑफ बॉडी, वजन का पाक होना, क्लीननेस ऑफ ड्रेस, ड्रेस का पाक होना, क्लीननेस ऑफ द ग्राउंड जहाँ नमाज पढ़ने में जगह का पाक होना, विच इज ऑफन एंड वजू, और फिर हमारा वजू भी हमारा होना होना चाहिए। तो ये चीज़ें बताया गया इसके अंदर। फर्दर सम फ्रॉम वर्शिप आर प्रेजेंट पर्टिकुलर, इस तरीके से हमारी सुवर्निटी हासिल होती है, पावर ऑफ गॉड, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो आगे बता रहे ज़कात इज़ अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ज़कात की एग्जाम्पल दी गई है आगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये करने से हमारे पास क्या होता है, सब हाउस होल्ड एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो क्या है, अली खुशनसी हासिल कर लेता है, हार्ट एंड सोल एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर आगे आपको कह रहे हैं फास्ट के बारे में, ठीक है। कह रहे हैं एक्सीलेंट एक्सप्रेशन टू ए साइड ऑफ रिलेशन बिटवीन मैन एंड क्रिएटर, ठीक है। फास्ट का क्या होता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है इसके बिटवीन अल्लाह एंड मैन, किस तरीके से, कि वो खाना पीना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है, ठीक है। किसके अल्लाह की मोहब्बत से खाते हैं, हज इज़ अ ट्रू सिंबल ऑफ ट्रू लवली फीजन, ठीक है। एक हज की एग्जाम्पल दी गई है, हज में भी एक एग्जाम्पल दी गई है कि हज को कह रहे हैं कि वॉकिंग अराउंड द हाउस ऑफ काबा, तो जो काबा चक्कर लगाता है, ठीक है। मिनट द हार्ट एंड द फर्स्ट किसिंग ऑफ दिस लव, वो हज यस्पत को चुनता है, इज अ क्राइ ऑफ बिलीफ। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल दी गई है, इसका हज का हम करते हैं, ठीक है। मिनट्स ऑफ लव टू कंसिडर द रियल स्पिरिट ऑफ दिस यूनिक पिलग्रिमेज, ठीक है। पिलग्रिमेज हम बोलते हैं हज को, ठीक है। इस तरीके से हज हमारा होता है, ये बताया गया इसमें, ठीक है। बट नमाज से इस कंप्रेसिव ऑफ बोथ ऑफ दी सकते, मतलब कह रहे हैं कि हज में और रोजे में नमाज जो है हमारा अहमियत है, नमाज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। वो ये बताया गया, तो प्रॉफिट वर्ड इन नमाज लाइन कूलर ऑफ माई, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स है कि नमाज लाए सेंटर कूलर ऑफ माई आई, आँखों भी ठंडा है नमाज के लिए, बताया गया इसके अंदर। आगे चले तो आगे आपको बताया ज़कात, डेफिनेशन ऑफ ज़कात क्या है। तो कह रहे हैं कि ज़कात का मकसद इसलिए होता है कि हमारे माल में से कुछ पोर्शन निकाला जाए किसके लिए, पुअर लोगों की। तो ज़कात इसलिए हमें बताया गया, ठीक है। कमर टू गिफ्ट ऑफ पुअर एंड नीडी बनते जो वक्त जरूरत है, ठीक है, ताकि वो उसके मालिक हो जाए, ठीक है। फास्ट एंड फेयर आर फ्रॉम द ब्लडी वर्शिप, ठीक है, जिस्मानी इबादत है, ठीक है। ज़कात जो है वर्शिप फ्रॉम विच इट्स इन नेचर, ठीक है, जो नेचर के लिए बहुत जरूरी है। सर ज़कात किसके लिए, उसके बंदों के लिए, ठीक है, जो कि साहब हैसियत नहीं है। आगे वो कह रहे हैं कि आफ्टर नमाज है, नमाज के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है आपको ज़कात को दी गई है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन ऑफ ज़कात इज़ सेम ऑफ एनी अदर ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो ज़कात की काफ़ी अहमियत दी गई है ताकि ज़रूरतमंद लोगों का भला हो सके और वो अपने माल को पाक कर सके, ठीक है। आगे वो ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो है सब अरब थे, उन्होंने रिसीव कर दिया था ज़कात देने के लिए। कैलिफ हज़रत अबू फेल्ड कम्प्लीट टू डिक्लेयर वार, तो उन्होंने उनके आगे अगेंस्ट वार शुरू कर दी थी, करने का सोच लिया था, ठीक है। फेल्ड कम्प्लीट टू डिक्लेयर वार अपॉन देम एंड टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप, तो वो एक्सट्रीम स्टेप तक पहुँच गए थे, ठीक है। ही एट द फुल सपोर्ट टू द होल कंपनी सच द वर्ल्ड एज कंपनी ऑफ ज़कात, ठीक है। तो उन्होंने अल्फाज कहें कि ज़कात जरूरी है देना, स्टेटमेंट दी गई है फाइनेंशियल अमाउंट ऑफ द फेथ अमाउंट फॉर डू नॉट, तो एक स्टेटमेंट दी गई है कि ज़कात देनी जरूरी, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वो कह रहे हैं फर्स्ट टू गेट नो टू, ठीक है। तो वो आगे कह रहे हैं कि ज़कात देने के कुछ तरीके हैं, उसमें हमें अमल करना चाहिए,
तो सबसे कह रहे हैं गेट टू नो ऑल द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ज़कात, तो ज़कात के प्रिंसिपल क्या है, ज़कात की शरीयत वगैरह क्या कहती है, प्रिंसिपल क्या है वो पता होना चाहिए हो जाइए। सेकंड ये कि हमें वहाँ स्पेंड करना चाहिए कि बाकी वो ज़रूरतमंद हो, ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए खाते, लेकिन वो बंदा नीडी हो उसको देना चाहिए ताकि हम अल्लाह का रिवॉर्ड हासिल कर सकें, ठीक है। थर्ड वो कह रहे हैं तो हम दें तो इस तरीके से दें कि हमें मालूम चले, मतलब दें तो हम किसी का एहसान ना जितवा इसके ऊपर, बस दे के उसको, ठीक है, ज़रूरतमंद बंदे को, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फोर्थ में तो कॉल ऑफ द कमीशन टू द माइंड, अब ज़कात दे रहे हो तो आप इसका ख्याल रखें कि नमाज का गॉड इज प्रेजेंट है, कह रहे हैं जैसे कि नमाज में खुदा हमारे पास मौजूद होता है, हमें देख रहा होता है, हम ये सोच रहे होते हैं, इस तरीके से ज़कात देते वक्त भी ख्याल करें, ठीक है। ऑब्जर्व एवरीथिंग इज वॉचिंग इज देम एक्ट ऑन माइंड एज वेल एज इंटेंट दैट इज ऑपरेटिंग बिहाइंड इन स्पेस एंड बाय हिज कमांड दैट आई एम डूइंग द लिटिल सर्विस एज अ सर्वेंट ऑफ हिज, ठीक है। तो इसके अलावा यानी हम ज़कात दे रहे हैं तो हमारा दिमाग भी ये होना चाहिए कि जैसे नमाज पढ़ रहे होते हैं हम अल्लाह देख रहे हैं, ठीक है। द ज़कात बिगिंस टू बी पे इन द मैनर एंड स्पिरिट इन डेट, अब वो ये कह रहा है कि अगर ज़कात को अगर हम इस तरीके से चार पॉइंट फॉलो करें तो इससे अगर हम ज़कात देंगे तो इस तरीके से हम अल्लाह ताला की खुशी से लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आगे वो कह रहे हैं रोज़ा, अब डेफिनेशन ऑफ फास्टिंग क्या होती है, नहीं रोज़े को हम फास्टिंग कहते हैं, फास्टिंग मीन्स फीलिंग एब्सेशन फ्रॉम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। वो कह रहे हैं फास्टिंग में होता है कि हम आपको खाने पीने से रोकते हैं, ठीक है, डिमांड ऑफ फ्लैश फ्रॉम डिमांड, और फिर सुबह से लेकर सुबह सात तक फ्रेस में अरबी इक्वेट फॉर फास्टिंग एज सऊ एंड सेम कहते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट अफ्तार, और रोज़े को यानी खोलना हम कहते हैं अफ्तार, ठीक है। तो ये बताया गया इसमें प्रैक्टिकल प्लानिंग इज द रोज़ा और फास्ट, ठीक है, बट प्रैक्टिस के हमारी फास्ट होगी, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एक्सीलेंट मीन्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एलिमेंट इन आवर नेचर, ठीक है। तो आगे वो कह रहे हैं कि जैसे कि हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम भूखा रहे हैं तो हमारा रोज़ा हो जाएगा। तो आगे वो कह रहे हैं फॉर पर्सन डस नॉट ऑप्शन फॉर्म फॉल्स हो जाएंगे, अगर वो गलत काम से नहीं बस आता, नमाज नहीं पढ़ता फास्टिंग में, ठीक है, सिर्फ सीधे काम पड़ता नमाज नहीं पढ़ता, तो गोज विदाउट फूड एंड ड्रिंक एंड डेथ हंगर एंड थर्स्ट एंड अदर डायरेक्शन टू द फैमिली, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मैनी आर देयर अमंग दोस हु कीप द फास्ट डेट गेन नथिंग फ्रॉम देम एक्सेप्ट हंगरी एंड थर्स्ट, तो कहते हैं कितने रोज़ेदार ऐसे होते हैं जितने से भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता होता, यानी वो भूख प्यास होता है फाका होता है वो, ठीक है, तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो आगे वो कह रहे हैं हज कॉन्सेप्ट ऑफ हज से कॉन्सेप्ट है, देयर एक्सिस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इज प्रॉफिट एंड इज उम्मा, ठीक है। हज करना चाहिए हमें ताकि हम सारे वहाँ के मौसम वगैरह देख सकें, हज रास्ते देख सकें, तो इस तरीके से हमारे अंदर और मोहब्बत पैदा होगी और इमन ताज़ा होगा। तो आगे वो कह रहे हैं एंड अंडरलिंग और मुस्लिम कैन अफोर्ड टू अंडरटेक, ठीक है। वही कह रहे हैं सबसे हज का ज़रूरी इसलिए कहा गया है एक मतलब उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, हर किसी के लिए उनके लिए वो कैन अफोर्ड टू अंडरटेक द पिलग्रिम, क्योंकि पिलग्रिम यानी हज को परफॉर्म कर सकें, ठीक है, फिर लाइफ लैटिस बने लाइफ टाइम, यानी ज़िंदगी में एक बार हज करना चाहिए, फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द औरत पर, ठीक है, लेकिन किसके लिए भी सारे पर हैसियत है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर एट कम्प्लीट हो गया, यहाँ आपके मिड टर्म के थे वहाँ से लगे आठ क्लास जो कि कम्प्लीट हो गए हैं, तो अब जो है फाइनल क्लास लेक्चर जो है इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद अपलोड होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएंगे, लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आए उसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।